साल है। थोड़ा इधर आजी। हाँ हाँ सामने पहले तो गए भाई दर्शन थोड़ा ज्यादा बिना एक सेकंड भाई भाई थोड़ा एक सेकंड। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर शालीबंडा जो डिवीजन है, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक हिस्सा शालीबंडा डिवीज़न को भी लगता है, और यहाँ के कॉरपोरेटर हमारे जनाब मुजफ्फर साहब और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमदीन व वर्कर्स आज के इनाग्रेशनों में मौजूद थे। आज जो इनाग्रेशन हुए हैं अलियाबाद कम्युनिटी हॉल के अंदर, अलियाबाद प्लेग्राउंड के अंदर एक कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है। तकरीबन उस कम्युनिटी हॉल की लागत 50 लाख रुपये की है, और सामने उसके ऑपोजिट एरिया में शमशीरगंज में एक कब्रिस्तान की दीवार उठा चुकी है जिसकी लागत 26 लाख रुपए थी। और उसके बाद मुग़ल फ़कीर शाह तकिए के अंदर भी इस कब्रिस्तान में भी दो बाउंड्री वॉल्स उठाए गए हैं, और इसके सामने के इलाके में और एक कब्रिस्तान में वहाँ एक बाउंड्री वॉल उठाई गई है। टोटल आज के जो इनाग्रेशन हो रहे हैं तकरीबन 85 लाख रुपीज़ के हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं कि आप लोग अपने अपने इलाकों में काम करिए, आवाम के साथ रहिए, आवाम के तकलीफ़ को समझिए, महल्ले के डेवलपमेंट को करिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके डिवीज़नों में और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना चाहिए वो मुकम्मिल करिए। उन्हीं की हिदायत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शालीबंडा डिवीज़न के जो पार्ट बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगता है इसके अंदर और भी कामा सब मिला के कर 1,12,00,000 रुपए के आज के कामा हुए हैं इस डिवीज़न के अंदर। उसका इनाग्रेशन आज रखा गया था। मैं आपके चैनलों के ज़रिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम से यह गुजारिश करता हूँ, जो भी आपके महल्ले के अंदर मसाइल है आप बराबर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के वर्कर से रब पैदा कीजिए, कॉरपोरेटर से रब पैदा कीजिए, मेयर से रब कीजिए। आपकी जो भी तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को दूर करना हमारा फरीज़ा है, और इंशाल्लाह ताला जो भी हद तक इम्कान कोशिश कर हम डेवलपमेंट इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, जिस मकसद से, जिस सोच और जिस फिक्र से हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिवीज़नों की, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वो सारे कामा कर रही है और कामा करवा रही है। और कई इनाग्रेशन होना है और कई हमारे सैंक्शंस हो चुके हैं, हमारे काम ग्राउंडिंग हो चुके हैं, कामा स्टार्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला और भी आपके चैनलों के ज़रिए फिर प्रोग्राम रखे जाएगा और वहाँ के इनाग्रेशन किया जाएंगे। शुक्रिया।